हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसे हम माइक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी धमाकेदार अपडेट निकल के आई है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। और साथ में बता दूं कि फ्रेंड्स, एफआईएस की जमकर खरीदारी हुई है जून क्वार्टर में। जी हाँ फ्रेंड्स, रिसेंटली इसी क्वार्टर में यानी लास्ट क्वार्टर में ही फ्रेंड्स, बहुत बड़ी धमाकेदार एंट्री एफआईएस की स्टॉक्स में हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये शेयर आगे आने वाले दिनों में मल्टी बेगर रिटर्न भी दे सकता है। और जिस तरह की बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जिस तरह से इस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यहाँ से ये शेयर आपको और भी बड़ी चाल दिखा सकता है। तो कौन सी बड़ी अपडेट निकल गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का बिजनेस किस तरह का है, बिजनेस मॉडल क्या है, सब कुछ एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहे। जो कि फ्रेंड्स देखा जाए तो यह कंपनी सेमीकंडक्टर बिजनेस में काम करती है। जी फ्रेंड्स, और जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर बिजनेस को लेके हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है सेमीकंडक्टर बिजनेस को, और उसके चलते एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शेयर्स को भी उसका बेनिफिट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। जो कि पीएम नरेंद्र मोदी सेमीकंडक्टर बिजनेस को पुश कर रहे हैं, और रिसेंटली हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर थे और वहाँ पर भी हमें एमओयू साइन होते हुए नजर आया है डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके, सेमीकंडक्टर बिजनेस को लेके। सिंगापुर के साथ हमने पार्टनरशिप होती हुई देखने को मिली है। तो नरेंद्र मोदी इस बिजनेस को लेके, सेमीकंडक्टर बिजनेस को लेके जबरदस्त पुश कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर फोकस है। तो एमआईसी इंडिया जैसे छोटे कंपनियों को भी उसका बड़ा फायदा होता हुआ आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक कंपनी काम करती है। साथ में एलईडी वीडियो डिस्प्ले के ऊपर भी एक कंपनी काम करती है, और उसमें फ्रेंड्स एलईडी वीडियो डिस्प्ले में यह कंपनी ग्लोबली 5वें नंबर पे है। जी फ्रेंड्स, ग्लोबली 5वीं रैंक है इस कंपनी की। इस कंपनी के पास जो सिस्टम है, एलईडी जो डिस्प्ले बनाती है, उसमें ये 5वें नंबर पे आती है ग्लोबली। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिगर है फ्रेंड्स इस कंपनी के लिए। जो बड़ी अपडेट निकल के आई है फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पे आप लोगों के सामने है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मैनेजमेंट की ओर से एनएससीबीएसई दोनों एक्सचेंज को यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे एक ऑर्डर मिला है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, रतलाम डिवीजन ऑफ द वेस्टर्न रेलवे जोन की ओर से यहाँ पे इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सप्लाइंग इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ टेलीकॉम मटेरियल इन कनेक्शन विथ प्रोवाइडिंग 12 मीटर वाइल्ड फुट ओवर ब्रिज टू कनेक्ट पीएफ अंडर अमेरित भारत स्टेशन स्कीम। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की ओर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज की बात करूँ, ऑर्डर वैल्यू की बात करूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अमाउंट आप देख सकते हैं 86 लाख का यहाँ पे ऑर्डर मिला, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उससे पहले भी इस कंपनी को काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह ऑर्डर जो मिला है वो 10 महीने के अंदर ही खत्म कर देने की बात यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे मैं इस कंपनी के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि एफआईएस की ओर से भी यहाँ पे जमकर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी क्वार्टर में जी फ्रेंड्स, लास्ट क्वार्टर में ही तकरीबन 8% के आसपास की होल्डिंग एफआईएस की यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। पहले आप देखोगे तो नहीं थी, यहाँ पे रिसेंटली 8% की होल्डिंग यानी बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे मैं नजर आ रहा है। प्रमोटर की भी आप देखोगे तो तकरीबन 67% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स फ्यूचर में भी यहाँ पे बड़ी चाल नजर आ सकती है, और गवर्नमेंट का भी फोकस तो है ही फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिगर यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके किसी भी तरह को इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करना है, मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।